माला में कितने मणके होते हैं? तो 108। 108 का मतलब क्या हुआ? 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 को 9 से गुना कर दो, कितना हो गया? 108। और चतुर्मासा में भी जो चतुर्मासा व्रत हमारे स्नान धर्म में बहुत किया जाता है, आप लोग तो भूल गए, पुरानी परंपरा है, लेकिन संत अब भी करते हैं चतुर्मासा व्रत। तो चतुर्मासा में 4 महीने होते हैं, और नक्षत्र 1 महीने में, 1 चांद्र मास में नक्षत्र 27 होते हैं। ध्यान से सुनना, 1 चांद्र मास में नक्षत्र 27 दिन होते हैं, मतलब नक्षत्र 27 होते हैं, और महीने चतुर्मासा के 4 हैं, तो 27 नक्षत्रों को चतुर्मासा के 4 महीने को गुना कर दो, कितना हो गया? 108 हो जाता है। इसलिए तुलसी की माला में मणके 108, और महीने में 108 चरण होते हैं, जिनको थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान वो जानते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और नक्षत्र कितने होते हैं टोटल? 27। तो 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 27 को 4 से गुना कर दो, वही बनता है 108। इसलिए माला के मणके 108 है, क्योंकि हम ग्रह नक्षत्रों की प्रसन्नता के लिए, उन ग्रहों का, नक्षत्रों का हमारे जीवन में अनुकूल असर हो, इसके लिए हम कुछ मणियां पहनते हैं अंगूठियों में। चंद्रमा के लिए मोती पहनेंगे, बृहस्पति के लिए पुखराज पहनेंगे, शनि के लिए नीलम पहनेंगे, मंगल के लिए मूंगा पहनेंगे। तो नक्षत्र हमारे अनुकूल रहे उसके लिए मणियां धारण करते हैं। तो 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण है, 108, तो 108 मणके वाली माला तुलसी की हाथ में धारण कर लो, तो नक्षत्रों का, ग्रहों का जो प्रकोप है वो शमन होने लग जाएगा। तो अंगूठे में अलग अलग दुनिया भर के मणके पहनने की आवश्यकता नहीं, बस 108 मणके वाली तुलसी की माला हाथ में ले लो और नीम ले लो, अलग से कोई मंत्र किसी ग्रह का करने की आवश्यकता नहीं, ओम शम शनिश्चराय नमः ये सब करने की आवश्यकता नहीं, किसी ग्रह का मंत्र करने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु का नाम जाप करो। ये ग्रह तो भगवान के सेवक हैं, जब हम मालिक का नाम जप कर रहे हैं तो फिर ग्रह नक्षत्रों के जप की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, जिनकी भगवान में लगन नहीं वो भले ग्रह नक्षत्रों के पीछे पड़े, लेकिन जो प्रभु का भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं राम कृष्ण दुर्गा शिव आदि का, उनको फिर किसी देवी देवता का जप करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ऊंचा इस कलयुग में नाम, प्रभु का नाम।